हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश का इतिहास का पार्ट टू हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट वन कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास आपको कवर करवा दिया है। गाइस, उसमें टॉप 100 क्वेश्चंस काफी स्पेशल हमने कवर किए हैं। नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं, एमपी कांस्टेबल 2022 की जो एग्जाम में क्वेश्चंस बने थे, अभी 2020 वाली एग्जाम 22 में हुई है कांस्टेबल की, सेम उसी की बात कर रहे हैं। जो नया पैटर्न बोलो उसमें किया गया था, नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। हमने जीके की जुगाड़ के सभी टॉपिक एक साइड मेंशन करके लिख लिए हैं। सभी क्वेश्चंस हमारे पास में हैं उस लेवल के, और गाइस नए नए क्वेश्चंस हम बना बनाकर आपको यहां पर कवर करवाने वाले हैं। तो टॉप 100 के फॉर्मेट में हम ये बेसिकली सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें आपको मध्य प्रदेश का पूरा टॉपिक वाइज, इसके अलावा नेशनल लेवल का भी स्टैटिक जीके कवर आपको करवाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड डे है और सेकंड क्लास हमारी ये रहेगी, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास हम कवर करेंगे। गाइस, आपको एक वीडियो और देंगे हम इतिहास का, जिसमें हम बाकी का बचा हुआ जो इतिहास है वो और कवर कर लेंगे। इस हिसाब से 300 के लगभग क्वेश्चन यहां से आपके हो जाएंगे, जो कि हिस्ट्री के रहेंगे। क्लियर है? और इनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, इतनी डीपली हम कवर कर रहे हैं। बाकी और जो क्वेश्चन है वो तो हमने पहले ही आपको कवर करवा दिए हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप दबा दें अगर पहली बार आपने विजिट किया है चैनल पर। साथ ही गाइस, आपको बता दें लगातार यहां पर वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल पर रेगुलर आप अपडेट रहेगा। चैनल पर हर सुबह 9 से 10 बजे के बीच में वीडियोस अपलोड की जाती है, तो आप एक बार 9 से 10 बजे के बीच में वीडियोस आकर जरूर से यहां पर चेक कर लें। क्लियर है? आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस, हमारे कुछ कोर्सेस हैं, जैसे 2022 के एमपी करंट अफेयर की ईबुक है, बेस्ट स्पेशल ऑफर चल रहा है इस पर, और बेस्ट ईबुक है ये आपकी किसी भी एग्जाम के लिए, पटवारी, पीएससी या फिर एमपी की आपका एग्जाम, कांस्टेबल और जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो डेमो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये 2021 की ईबुक है, इसमें जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का पूरा करंट अफेयर है। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी इसमें दिया हुआ है, साथ ही रिवीजन के लिए वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। सेम 2022 की है, जिसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का है, महीनेवार, और इसके अलावा स्पेशल भी है और वन लाइनर भी है, जिसमें फोटो भी डले हुए, आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो डेमो चेकआउट करेंगे तो काफी अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसके अलावा एमपीजीके का स्पेशल कोर्स है, जहां से आप पूरा एमपीजीके कवर कर सकते हैं, सीरीज वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल इसमें आपको मिल पाएगी। इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहां से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। गाइस, हमारी बाकी की जो एमपी की टेस्ट सीरीज है आपकी, एमपी जीके की, वो कल आपको लॉन्च करने वाले हैं, कल आपके लिए। और गाइस, आपकी पटवारी की और इन सभी की टेस्ट सीरीज पर काम चल रहा है, ये भी आपके लिए जल्द से देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए। यहाँ पर इन सभी कोर्सेस पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, आप एक बार विजिट जरूर से कर लीजिए। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, नौवेश्वर का शिव मंदिर किस शासक की पत्नी के नाम पर निर्मित किया गया है? नौवेश्वर का शिव मंदिर पूछा है, किस शासक की पत्नी के नाम पर इसको निर्मित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा युवराज देव प्रथम। यहां से सी ऑप्शन रहेगा। नौवेश्वर का जो शिव मंदिर है, ये युवराज देव प्रथम की पत्नी के नाम पर निर्मित किया गया है। तो यहां से हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा कलचूरी वंश मध्य प्रदेश के किन स्थानों से संबंधित थे? किन स्थानों से संबंधित है कलचूरी वंश? तो कलचूरी वंश जो संबंधित था मध्य प्रदेश के, ये महिष्मति और त्रिपुरी दोनों से संबंधित था। त्रिपुरी आपको बताइए जबलपुर को पहले कहा जाता था, तो जबलपुर का पुराना नाम है त्रिपुरी, यहां से बेसिकली संबंध है कलचूरी वंश का। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्थानों से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया? जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर बनवाया गया था युवराज देव प्रथम के द्वारा। ये शासक थे युवराज देव प्रथम, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हमारा बी ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कलचूरी शासक को विश्वजीत कहा गया है? विश्वजीत किस कलचूरी शासक को कहा गया है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये कहा जाता है गंगे देव प्रथम। यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगे देव प्रथम को कलचूरी शासक है ये, और इनको विश्वजीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कलचूरी शासक को हिंद का नेपोलियन कहा गया है? हिंद का नेपोलियन किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है कलचूरी शासक है ये, और इनका नाम है कर्णदेव इनका नाम है, और इनको कहा गया है कलचूरी शासक को हिंद का नेपोलियन। क्लियर है? तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। गाइस, यहां पर हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। क्लियर है? और आज हम आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उसका राइट आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बताएगा। क्वेश्चन हम 6 वाले जो क्वेश्चन है उसमें पूछने वाले हैं आपसे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी करंट की अपडेट और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट होती है वो पूरी हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, और एमपी में कांस्टेबल की एक वैकेंसी निकली हुई है, उसकी भी अपडेट हमने टेलीग्राम पर ही दी है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता किसे कहा गया है? हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, और सही जवाब रहेगा राजाधंग को चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, हम आपसे सिंपली ये क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में क्वेश्चन ऑफ द डे ये आज का हमारा रहेगा कि गाइस, खजुराहो के मंदिर इनका जो निर्माण करवाया गया है ये किन शासकों ने करवाया है? वैसे कि ये आज का हमारा क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चंदेल शासक ने गंगा यमुना संगम या समाधि ग्रहण की? चंदेल वंश के शासक ने गंगा यमुना संगम या समाधि जो ग्रहण की थी ये किस चंदेल शासक ने की थी, ये आपको बताना है। सही जवाब हमारा यहाँ से रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजाधंग ने। राजाधंग यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस चंदेल शासक के समय सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ? तो ये जो हुआ था सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, ये यशोवर्मन के टाइम पर हुआ था। यशोवर्मन जो कि चंदेल शासक है और इनके समय सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चंदेल शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार की थी? सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत की जो अधीनता स्वीकार की थी ये की थी किसने, किस चंदेल शासक ने की थी? तो ये की थी परमारदेव ने। परमारदेव यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। परमारदेव, चंदेल शासक परमारदेव ने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार की थी। निम्न में से किस रियासत ने सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, किस रियासत ने सबसे पहले सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था? तो डाक टिकट सबसे पहले जो जारी किया था ये किया था दतिया रियासत ने। दतिया रियासत के द्वारा सबसे पहले ये जारी किया गया था। निम्न में से किस शासक की जानकारी जबलपुर अभिलेख से प्राप्त होती है? जबलपुर अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त होती है ये अमोघ वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये अमोघ वंश इनका नाम है और ये शासक है। तो शासक अमोघ वंश की जानकारी जबलपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बी ऑप्शन सही जवाब यहां से हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने उज्जैन के शासक वत्सराज को पराजित किया था? और इन राष्ट्रकूट शासक जो है इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है ध्रुव, राष्ट्रकूट शासक है ये ध्रुव, इनने उज्जैन के शासक वत्सराज को पराजित किया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस शासक को श्रीमद आदिवरा की उपाधि से विभूषित किया गया है? किस शासक को किया गया है इस उपाधि से विभूषित, ये आपको बताना है। श्रीमद आदिवरा की उपाधि है ये, और इससे जो विभूषित किए गए हैं ये मिहिर भोज किए गए हैं। किस शासक के मिहिर भोज, इनको श्रीमद आदिवरा की उपाधि से विभूषित किया गया है। मिहिर भोज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह की जो उपाधियां ये दी जाती है ये भी आपकी काफी ज्यादा बनती है। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्र परमार वंश की स्थापना की थी? स्वतंत्र परमार वंश की जो स्थापना की थी ये किस शासक ने की थी? सही जवाब रहेगा सीयक टू ने, सीयक द्वितीय ने, या सीयक टू आप बोल सकते हैं, सीयक द्वितीय के द्वारा स्वतंत्र परमार वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रानी सालमासी ने किस संरचना का निर्माण कराया था जो वर्तमान में भोपाल में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है? तो याद रखिएगा, इन्होंने जो निर्माण करवाया था संरचना का, ये संरचना है सभा मंडल का इन्होंने निर्माण करवाया था भोपाल में, ध्यान रखिएगा, जो एक प्रसिद्ध मस्जिद है। क्लियर है? ये रानी सालमासी ने इसका निर्माण करवाया था। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। गुहिल वंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? गाइस आई थिंक आपने इससे पहले नहीं सुना होगा इस वंश के बारे में। ये भी एक वंश रहा है जिसने मध्य प्रदेश पर शासन किया है। गुहिल वंश, इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से रहा है? सही जवाब रहेगा, ये जो वंश है गाइस इसका संबंध रहा है पश्चिमी मध्य प्रदेश से। पश्चिमी मध्य प्रदेश हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो गाइस ये इधर पूर्वी मध्य प्रदेश है और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश है। ये उत्तरी मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से जो सीमा लगती है ये छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है, ये पूर्वी है आपका, और दक्षिण में महाराष्ट्र से लगती है, और इधर आपके राजस्थान और गुजरात से लगती है, यहाँ पर गुजरात, तो यहाँ पर आपका राजस्थान से लगती है पश्चिमी में। ये पश्चिमी वाला जो एरिया है, ये जो मध्य प्रदेश है पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसका गोहिल वंश का शासन हुआ करता था, या ये जो वंश है इस पश्चिमी मध्य प्रदेश से संबंधित रहा है, ऐसा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर के सास बहु मंदिर में निम्न में से किस वंश का उल्लेख है? ग्वालियर के सास बहु मंदिर में जो उल्लेख मिलता है ये किस वंश का मिलता है, ये आपको बेसिकली बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा कच्छ भाट क्यों वंश है, इसका संबंध है सास बहु मंदिर से ग्वालियर के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाघाट अभिलेख में से किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? बालाघाट अभिलेख की यहाँ पर बात की गई है और इसमें यादव वंश का जो उल्लेख है ये मिलता है बालाघाट अभिलेख में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, महमूद गजनवी का ग्वालियर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? महमूद गजनवी का ग्वालियर पर आक्रमण जो हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1021 ईस्वी में, 1021 ईस्वी में। क्लियर है? तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं हिस्ट्री में और आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। मोहम्मद गोरी का ग्वालियर पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहेगा हमारा 1195 ईस्वी में ग्वालियर पर मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण है ये हुआ था। इनका भी याद रखिएगा और मोहम्मद गजनवी का भी याद रखिएगा। इनका 1021 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गोरी का हुआ था 1195 यानी 1195 ईस्वी में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? गाइस इल्तुतमिश जो था इसने भी महाकाल मंदिर उज्जैन पर आक्रमण किया था, तो ये किस वर्ष हुआ था ये भी आपको याद रखना है। ये जो आक्रमण हुआ था गाइस ये हुआ था 1234, आसानी से याद रख सकते हैं 1234 इल्तुतमिश महाकाल मंदिर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1234 ईस्वी में। क्लियर है? 1234 के फॉर्मेट में भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दुर्लाचापुर अभिलेख में किस शासक का वर्णन मिलता है? तो गाइस ये जो अभिलेख है इसमें जो वर्णन मिलता है ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में वर्णन मिलता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन आपको छांटना है इसमें से, यानी गलत आपको पहचानना है। क्लियर है? तो इसमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है। बिल्कुल, तो हमसे गलत इसमें पूछा है, तो हम देखिए यहां से चलते हैं सेकंड से। 1305 ईस्वी मांडू विजय, तो मांडू की विजय जो 1305 है ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है और ये सही भी है। हमसे गलत पूछा है, हमको गलत निकालना है, ये तो आपका सही है। 1344 ईस्वी धार का किला, बिल्कुल सही है।
1231 ग्वालियर किले पर नियंत्रण किया था, ये भी सही है। ये तीन तो सही है। चंदेरी का पर आक्रमण, ये 1295, ये गलत है। हमसे क्या पूछा है, असत्य पूछा है, गलत पूछा है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। क्लियर है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर आक्रमण के समय किस शासक ने तुर्कों की सहायता की थी? तुर्कों की जो सहायता की थी ये नरवर्मन के द्वारा की गई थी। ग्वालियर आक्रमण के समय किस शासक ने, तो नरवर्मन जो थे इनने तुर्कों की सहायता की थी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगरा से बुरहानपुर के मध्य सड़क निर्माण किसने करवाया था? आगरा से बुरहानपुर के बीच में सड़क का जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। एक और चीज याद रखिएगा गाइस, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया था ये किसने बनवाया था, तो ये भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। और शेर शाह सूरी जो है इनकी समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि है सासाराम में, सासाराम। क्लियर है, तो याद रखिएगा सासाराम इनकी समाधि है शेर शाह सूरी की। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसने की थी? ये मालवा में जो की गई थी दिलावर खां के द्वारा की गई थी। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना दिलावर खां के द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारंगपुर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था गाइस 1561 ईस्वी में, 1561 हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के साथ में सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंग शाह गोरी का वास्तविक नाम क्या था? आई थिंक आप सभी को पता होगा और कई बार ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी। क्लियर है, होशंग शाह जो गोरी था इसका जो वास्तविक नाम था ये था अल्प खां। क्या था? अल्प खां, अल्प खां, अल्प खां। क्लियर है, तो ये अनप खां लिखा रहा है यहाँ पर और आप इसको अल्प खां कर लीजिएगा। क्लियर है, अल्प खां इसका पूरा नाम था, वास्तविक नाम था होशंग शाह गोरी का, और होशंग शाह के नाम पर ही होशंगाबाद जो शहर है इसका नाम होशंगाबाद किया गया था। इसका नाम जो होशंगाबाद है इसका नाम पहले नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम हुआ करता था, नर्मदापुरम हुआ करता था, और होशंग शाह जो था इसके नाम पर फिर इसको होशंगाबाद किया गया और अब वापस से गवर्नमेंट ने इसको नर्मदापुरम कर दिया है। नर्मदापुरम संभाग तो पहले कर दिया था बट यहाँ पर अब जो जिला था होशंगाबाद इसका नाम बदलकर भी नर्मदापुरम कर दिया है। क्लियर है, और गाइस यहाँ पर एक स्थान था बावई जहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था, उसका नाम भी बदलकर माखन नगर कर दिया है। तो ये जो जितने भी बदले गए नाम है ये सारे हमने जो हमारी ईबुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की इसमें सभी डाले हैं, और 2021 में जितने भी नाम चेंज हुए हैं वो हमने 2021 की हमारी ईबुक में डाले हैं। तो 22 वाले 22 में मिल जाएंगे, 21 वाले 21 में मिल जाएंगे, तो आप दोनों को चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप एक बार चेकआउट जरूर से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने किसे मालवा का सरदार नियुक्त किया था? मालवा का जो सरदार नियुक्त किया था शेर शाह सूरी ने, ये सुजायत खां को किया था। सुजायत खां फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वैसे हिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर युद्ध के पश्चात बाज बहादुर ने किस स्थान पर शरण ली थी? तो बाज बहादुर के द्वारा चित्तौड़गढ़ में शरण ली गई थी, चित्तौड़ में, चित्तौड़, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाज बहादुर की समाधि को अकबर द्वारा क्या नाम प्रदान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आसिक ए सादिक या शहीद ए वफा या इश्क ए सदर या प्रेम मंदिर। क्लियर है, तो गाइस यहाँ पर आप याद रखिएगा, शहीद ए वफा, आसिक ए सादिक, इन दोनों में काफी सारे लोग कन्फ्यूज होंगे क्योंकि एक तो इनकी जो रानी थी बाज बहादुर और रानी रूपमती। क्लियर है, तो एक तो बाज बहादुर की समाधि का नाम है और एक है रानी, इनकी रानी का, जो कि हमने अभी बताया आपको, दोनों का नाम यही है। अब इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं लोग कौन सा किसका है। क्लियर है, तो इस तरह से आपको याद भी रखना होगा। तो हम आपको बता दें, बाज बहादुर की समाधि को अकबर द्वारा जो नाम दिया गया था ये क्या नाम दिया गया था? ये नाम दिया गया था आसिक ए सादिक, आसिक ए सादिक जो नाम दिया गया था ये बाज बहादुर की समाधि को, बहादुर की समाधि को अकबर के द्वारा दिया गया था, और रानी रूपमती की जो समाधि को दिया गया था ये शहीद ए वफा दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं और ये याद भी आप रखिएगा, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इनकी समाधि कहाँ पर है ये क्वेश्चन बनता है, तो इनकी समाधि है मध्य प्रदेश के सारंगपुर में, सारंगपुर में इनकी समाधि स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सेना तथा रानी दुर्गावती के मध्य युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1564 में, 1564 ईस्वी में, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? हुमायूं के द्वारा मालवा का जो सूबेदार नियुक्त किया गया था ये किया गया था आदिर शाह, आदिर शाह, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप इनका सुपर फास्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा स्थान तापी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तापी नदी के किनारे इनमें से कौन सा स्थान स्थित नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जोनाबाद बिल्कुल तापी नदी के किनारे है, बुरहानपुर तापी नदी, तापी नदी से तात्पर्य तापी नदी का है, आप ये कर लीजिएगा, कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले के मुंताई से निकलती है। क्लियर है, और गाइस यहाँ पर बुरहानपुर भी इसके किनारे बसा हुआ है और असीरगढ़ भी देखने को मिलता है जो कि बुरहानपुर में ही आता है। क्लियर है, तो बाकी सारंगपुर जो है ये इस नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारंगपुर। अगला क्वेश्चन है, मालवा का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालवा का अंतिम स्वतंत्र जो शासक था इसका नाम है बाज बहादुर, बाज बहादुर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के असीरगढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? गाइस इस तरह के क्वेश्चन आपकी एमपी कांस्टेबल की एग्जाम हुई है 2022 में, उसमें काफी ज्यादा पूछे गए हैं। अकबर के असीरगढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था ये क्वेश्चन आपसे बना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा खिज्र खां, खिज्र खां फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है और एक मस्जिद है, इन दोनों के बारे में कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर कई वर्ष जो प्राचीन शिव मंदिर खोजा गया है उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। इसके अलावा अकबर ने असीरगढ़ पर कब आक्रमण किया था, किसके द्वारा किया गया था, सेनापति कौन था, इस तरह से काफी ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। क्लियर है,
तो आप समझ सकते हैं कितने इंपोर्टेंट लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ से कवर आपको करवा रहे हैं, जो कि आपके आगे पटवारी की में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पैटर्न यही है और पैटर्न यही है गाइस, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे पूरे डीपली, क्लियर है? तो आपको अंदाजा लग जाएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहा ए झारखंड के शासक को कहा जाता है। सहा ए झारखंड जो कहा जाता है, ये कहा जाता है किसको? आदिल खां को। आदिल खां, अब इसमें से कौन सा आदिल खां है, फर्स्ट सेकंड? तो इसमें से आदिल खां द्वितीय जो है, आदिल खां द्वितीय या आदिल खां सेकंड, इनको सहा ए झारखंड के नाम से जाना जाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारूकी वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फारूकी वंश की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1398 में। 1398 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालियादेह पैलेस का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कालियादेह पैलेस, कांस्टेबल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। व्यापम का मतलब अगर कहे तो व्यापम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर एग्जाम में ये पूछता है, क्लियर है? तो कालियादेह पैलेस का जो निर्माण किया गया था ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये महमूद खिलजी के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कालियादेह पैलेस कहाँ पर है? ये आपकी उज्जैन में है। कालियादेह पैलेस किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्षिप्रा जो नदी है इसके किनारे स्थित है कालियादेह पैलेस, और उज्जैन में स्थित है। किसके शासनकाल में हुआ था? महमूद खिलजी के। इतने क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज द्वारा भोजपुर में निर्मित बांध को किस शासक द्वारा नष्ट किया गया था? राजा भोज द्वारा भोजपुर में एक बांध बनवाया गया था, वो किस शासक के द्वारा नष्ट किया गया था? इसको जो नष्ट किया था ये होसंग शाह ने किया था। होसंग शाह कौन था? होसंग शाह था अल्फखा। अल्फखा जिसका पूरा नाम होसंग शाह था, ध्यान रखिएगा, अल्फखा होसंग शाह दोनों एक ही है। होसंग शाह जो है इसका वास्तविक नाम अल्फखा था, तो होसंगाबाद नगर का जो नाम पड़ा है इसी के नाम पर पड़ा है, और होसंग शाह के द्वारा इस बांध को भोजपुर में जो कि राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था इसको होसंग शाह के द्वारा नष्ट किया गया था। इतना याद रखिएगा, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेंगे, बस आप जो चीजें हम बता रहे हैं उनको याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, राग दर्पण किस संगीत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? राग दर्पण जो है ये किस संगीत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? सही जवाब रहेगा मान कौतूहल का। मान कौतूहल हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर इतिहास का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? ग्वालियर इतिहास का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये माना जाता है मान सिंह तोमर के शासनकाल को। मान सिंह तोमर के शासनकाल को ग्वालियर इतिहास स्वर्ण युग माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के किस शासक की मृत्यु हुई थी? पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था इसमें पानीपत के किस शासक की मृत्यु हुई थी? सही जवाब रहेगा हमारा विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के शासक विक्रमादित्य की मृत्यु हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संग्राम शाह द्वारा कृत रचना कौन सी है? संग्राम शाह द्वारा कृत जो रचना है ये कौन सी है? सही जवाब रहेगा रत्नानाला। रत्नानाला, रत्नानाला संग्राम शाह द्वारा कृत रचना है, सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती के विरुद्ध किस रियासत द्वारा मुगलों का सहयोग किया गया था? रानी दुर्गावती के विरुद्ध ये किया गया था, विरुद्ध किस रियासत ने किया था मुगलों का सहयोग? तो ये जो रियासत थी इसका नाम बेसिकली बताना है आपको, और इस रियासत का नाम है रीवा रियासत। रीवा रियासत हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। रानी दुर्गावती के विरोध में या विरोध स्वरूप रियासत थी रीवा की, तो रानी दुर्गावती के विरुद्ध रीवा जो रियासत थी इसने मुगलों का सहयोग किया था। आसान भाषा में हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं ताकि आपको इजी लैंग्वेज भी और आसानी से अपनी भाषा में याद क्वेश्चंस हो जाए, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी दुर्गावती के सेनापति का क्या नाम था? रानी दुर्गावती का जो सेनापति था इसका नाम क्या था? इसका नाम था आधार सिंह। आधार सिंह इनका नाम था, आधार कार्ड से आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्लियर है? तो रानी दुर्गावती के सेनापति थे आधार कार्ड यानी आधार सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती अपना शासन संचालन किस स्थान से करती थी? रानी दुर्गावती जो अपना शासन चलाती थी ये कहाँ से चलाती थी? तो ये चलाती थी मदन महल से। मदन महल कहाँ पर है? ये आपका जबलपुर में स्थित है। जबलपुर के बारे में एक और फैक्ट हम बता दे गाइस, जो आपका हबीबगंज स्टेशन है जिसको रानी कमलापति स्टेशन बोला जाता है, यहाँ पर जो एयरपोर्ट वाली सुविधा स्टार्ट की गई है, ऐसे ही एयरपोर्ट वाली सुविधा अब मध्य प्रदेश के दूसरे रेलवे स्टेशन पर की जाएगी, और ये मध्य प्रदेश का पहला रानी कमलापति, और मध्य प्रदेश का ये जो दूसरा होगा ये होगा मदन महल रेलवे स्टेशन। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि बताइए, एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाला मध्य प्रदेश का दूसरा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका नाम है मदन महल रेलवे स्टेशन, जो कि जबलपुर में है। यहाँ पर रानी कमलापति की तर्ज पर ही ये जो है रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के जैसा बनाया जा रहा है। तो ये मदन महल एयरपोर्ट को ही, रेलवे स्टेशन को ही एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाला बनाया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। जबलपुर में ये आपका स्थित है। यहाँ पर मदन महल किला भी है और रानी दुर्गावती किला उसको ही बोला जाता है। ये चीजें आप याद रखिएगा, सारी चीजें हम पूरा इसी तरह से समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्लियर है? और ये जो चीजें हमने आपको बताई है ये हमने ईबुक में 2022 की जो ईबुक है उसमें भी पूरा डिटेल के थ्रू डाली है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा बलिदान दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हर साल बलिदान जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 जून को। 24 जून को हर साल मनाया जाता है। सिंगोरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? सिंगोरगढ़ का जो किला है ये दमोह जिले में देखने को मिलता है। दमोह जिले के सिंगोरगढ़ किले में, देखिए अभी राष्ट्रपति भी आए थे, हमने करंट अफेयर में कवर उसको किया है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? अवंतीबाई, तीजनबाई, भत्तोबाई, भूरीबाई। तो देखिए भूरीबाई, अवंतीबाई का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, क्लियर है? इनका तो संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, बाकी हमें कंफ्यूजन है भत्तोबाई और तीजनबाई, क्लियर है? तो गाइस हमने तीजनबाई वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको कवर करवाया था। तीजनबाई जो है ये पंडवानी से रिलेटेड है, पंडवानी से, छत्तीसगढ़ी पंडवानी की ये, तो पंडवानी की से रिलेटेड है ये, और छत्तीसगढ़ी पंडवानी से रिलेटेड है ये, छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है बेसिकली तीजन भाई का। और भत्तो भाई जो है ये बेसिकली आपने आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, बट ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, तीजन भाई ये छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है।
क्लियर है गाइस। यहाँ पर हम आपको 2022 की हमारी ये ईबुक बताना चाहिए, 2022 की स्पेशल ईबुक है। अगर आपने डेमो चेकआउट नहीं किया, कल इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये 2021 की ईबुक है हमारी, पूरा डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा एमपीजी का स्पेशल कॉल है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारी अन्य टेस्ट सीरीज भी, अन्य वैकेंसी से रिलेटेड भी जल्द आने वाली है, आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को जल्द से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी जरूरी चीजें और पीडीएफ फाइल रहेंगी वो सभी वहीं पर आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगी। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने बहुत सारी डाली हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन इमारत कौन सी है? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से सर्वाधिक जो प्राचीन इमारत है ये कौन सी, विद्याधर्म, चोरागढ़ का किला और मदन महल या राहतवाद किला। क्लियर है, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो ये चीजें हैं ये कब बनी है, उस हिसाब से आप प्राचीन का अनुमान लगा पाएंगे। बट आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो उस हिसाब से भी आई थिंक अगर आपको पता है थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो सर्वाधिक प्राचीन इमारत का आपको बताना है। गाइस यहां पर सर्वाधिक प्राचीन जो इमारत है इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दुर्गावती, रानी जो दुर्गावती है इनसे रिलेटेड रहा है। रानी दुर्गावती जो महल है इसको ही मदन महल के नाम से जाना जाता है, मदन महल किले के नाम से, तो रानी दुर्गावती से रिलेटेड है। ये ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को तेजो तर्रम कहा गया है? तेजो तर्रम जो कहा गया है ये किस शासक को कहा गया है? तो ये वीर सिंह देव को कहा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बावन गढ़ों का स्वामी किसे कहा गया है? बावन गढ़ों का जो स्वामी कहा गया है ये कहा गया है किसको? ये कहा गया है संग्राम शाह को। बावन गढ़ों का स्वामी संग्राम शाह को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान में युद्ध पश्चात जौहर किया गया है? निम्न में से किस स्थान में युद्ध के बाद में जौहर किया गया है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा चोरागढ़ का किला। चोरागढ़ के किले में युद्ध के पश्चात जौहर किया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां से भी सही जवाब चला गया। निम्न में से किस गोंड शासक द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार किया गया है? निम्न में से किस गोंड शासक के द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार किया गया है? तो कौन गोंड शासक थे, इनका नाम बता रहे हैं, गोंड शासक का इनका नाम क्या है? क्लियर है गाइस, इनका नाम है कोकन शाह द्वितीय, कोकन शाह द्वितीय, कोक शाह द्वितीय इनका नाम है, आप कीजिएगा कोक शाह, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गोंड शासक थे और इनके द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार किया गया है, कोक शाह द्वितीय, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक द्वारा कालिंजर किले पर आक्रमण नहीं किया गया? इनमें से किस शासक ने कालिंजर जो किला है या कालिंजर दुर्ग है इस पर आक्रमण नहीं किया है, ये आपको बताना है। क्लियर है, अकबर, शेरशाह, सूरी, नासिर उद्दीन, महमूद और इल्तुतमिश। क्लियर है, यहाँ पर चार ऑप्शन आपको मिले हैं, इनमें से अकबर जो है, अकबर, अकबर के द्वारा कालिंजर किले या कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया गया है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीकमगढ़ शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? टीकमगढ़ जो शहर है इसकी स्थापना किस शासक के द्वारा या किस राजा के द्वारा की गई थी? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा विक्रमजीत महेंद्र, विक्रमजीत महेंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सावन बहादुर का महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही जवाब रहेगा वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा सावन बहादुर महल का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, महाराजा छत्रसाल का राज्याभिषेक किस विद्वान विद्यावान द्वारा किया गया था? महाराजा छत्रसाल का जो राज्याभिषेक किया था किस विद्यावान द्वारा किया गया था? ये किया था योगीनाथ प्राणनाथ ने, डी ऑप्शन के साथ में हमारा सही जवाब रहेगा। बुंदेला विद्रोह से पहले बने त्रिगुण में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? बुंदेला विद्रोह से बने त्रिगुण में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मधुकर शाह, राजा परीक्षित, राजा हृदय शाह और मर्दन सिंह। क्लियर है, तो राजा मर्दन सिंह यहां से हमारा सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, मर्दन सिंह। क्लियर है, बुंदेला विद्रोह से पहले त्रिगुण में मर्दन सिंह जो थे ये शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? चित्रकूट का युद्ध हुआ था ये 1857 में हुआ था, कब हुआ था? 1857 में हुआ था, चित्रकूट का युद्ध 1857, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान किस राजा के दरबारी कवि थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान जो थे ये थे राजा ब्रजनाथ सिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नागौद रियासत के वास्तविक संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब रहेगा जैन सिंह। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया है 1921 ईस्वी में, 1921 फर्स्ट ऑप्शन के साथ में सही जवाब चला जाएगा। बघेल वंश वर्णनम रचना के रचयिता कौन है? बघेल वंश वर्णनम रचना जो है इसके रचयिता का नाम बताना है, और इसके जो रचयिता है इनका नाम है रुपनी शर्मा, तो सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहर बैंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेहर बैंड की जो स्थापना की गई थी गाइस ये की गई थी, और ये क्वेश्चन आपका आई थिंक पहले भी पूछा जा चुका है। क्लियर है, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी, 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, तो यहां से हमारा बी ऑप्शन के साथ में सही जवाब चला जाएगा। मुक्त फोर्स गठन किस रियासत के अधीन किया गया था? ये किया गया था बघेलखंड रियासत के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रतन सिंह किस रियासत से संबंधित है? राजा रतन सिंह के बारे में क्वेश्चन बन रहा है, चरखारी जो रियासत है इससे संबंधित है राजा रतन सिंह, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आधुनिक रीवा राज्य का जनक किस राजा को कहा जाता है? तो आधुनिक रीवा राज्य का जो जनक कहा जाता है ये गुलाब सिंह को कहा जाता है, बी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। किस राजा को पर्यावरणविद तथा वन्य जीव संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है? इन राजा का नाम है मातंड सिंह जू देव सफारी, आपको पता ही है और उन्हीं के नाम पर रखी गई है, तो मातंड सिंह जो थे ये पर्यावरणविद तथा वन्य जीव संरक्षण के रूप में भी जाने जाते थे, ये राजा थे मातंड सिंह, इन्हीं के नाम पर ये जू का नाम रखा गया है, मातंड सिंह जू, तो ये वहीं पर है, आपको याद होना चाहिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमझेरा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? अमझेरा का युद्ध हुआ था आपका 1728 में, 1728, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी तथा हैदराबाद के निजाम के मध्य में कौन सी संधि हुई थी? तो मराठी और हैदराबाद के निजाम के मध्य में जो संधि हुई थी इस संधि को दोहरा सराय के नाम से जाना जाता है, तो इस संधि को दोहरा सराय की संधि बोला जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? इंदौर में राजवाड़ा जो महल है, इंदौर में राजवाड़ा महल, इसका निर्माण किसने किया था? तो मल्हार राव होलकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आधुनिक ग्वालियर का निर्माता किस शासक को कहा जाता है? आधुनिक ग्वालियर की यहाँ पर बात की जा रही है, क्वेश्चन को समझिएगा, आधुनिक ग्वालियर की यहाँ पर बात की जा रही है और आधुनिक ग्वालियर का जो निर्माता कहा जाता है ये माधवराव सिंधिया प्रथम को कहा जाता है, माधवराव सिंधिया प्रथम, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ग्वालियर में ताजिया निकालने की परंपरा का प्रारंभ किस शासन ने किया था? ग्वालियर में ताजिया निकालने की जो परंपरा है ये किस शासन ने बेसिकली प्रारंभ की थी? क्लियर है? तो ये माधवराव सिंधिया जो प्रथम थे, इनने ही, इनके शासन ने ही इसको प्रारंभ किया था, तो डी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। भोपाल की कौन सी बेगम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल की बेगमों से हमने नोट डाउन किया है, हमारी जो हमने जो नोट डाउन किए हैं सभी टॉपिक जो कि हम कांस्टेबल बने हैं उनमें भोपाल की बेगमों वाला भी हमने आपको बताया था, हमारे पास में लिखा हुआ है सभी टॉपिक कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन बने हैं, तो भोपाल की बेगमों से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? तो भोपाल की बेगम कौन सी बेगम थी जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर बनी थी? इनका नाम बताना है, इनका नाम है सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम भोपाल रियासत की बेगम थी। क्लियर है? जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर बनी थी। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब चला जाए। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित ढाई सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप इनको जरूर से याद कर लीजिए। भोपाल में स्थित ढाई सीढ़ी की जो मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने, दोस्त मोहम्मद खान फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगदाद उल हिंद नाम से किसे जाना जाता था? बगदाद उल हिंद के नाम से भोपाल को जाना जाता था, इसको भोपाल को, एक और चीज याद रखिएगा, भोपाल को झीलों की शहर, झीलों की नगरी, तो इस तरह से काफी नामों से जाना जाता है, बट आप उसमें एक और चीज डाउन कीजिएगा, बगदाद उल हिंद इसको भी भोपाल ही बोला जाता है, ये और आप याद रखिएगा क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्लियर है? तो बगदाद उल हिंद के नाम से भोपाल को फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भोपाल रियासत का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? यार मोहम्मद खान को, दोस्त मोहम्मद खान को, सुल्तान जहां बेगम के और सिकंदर जहां बेगम के। क्लियर है? तो भोपाल रियासत का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, ये सिकंदर जहां बेगम के शासन काल को कहा जाता है, सिकंदर जहां बेगम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल के समीप स्थित इस्लाम नगर का प्राचीन नाम क्या था? इस्लाम नगर आप सभी जानते हैं इसको, आई थिंक अगर आप भोपाल में रहते हैं तो या आसपास रहते हैं तो, इस्लाम नगर का जो प्राचीन नाम था ये क्या था ये पूछा है आपसे, इसका नाम था जगदीशपुर, जगदीशपुर पहले हुआ करता था, यहाँ के जो नवाब है या फिर जो बेगम है इनका शासन के अनुरूप इसका नाम आई थिंक इस्लाम नगर किया गया होगा, तो आप याद रखिएगा इसका नाम पहले क्या था, जगदीशपुर हुआ करता था, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम राज्य जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया है वो प्रथम राज्य कौन सा है जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बघेलखंड रियासत, बघेलखंड रियासत जो थी इसने, ये प्रथम राज्य था जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया। क्लियर है? तो ऐसा करने वाला प्रथम जो रियासत थी ये बघेलखंड रियासत थी, इस तरह से प्रथम से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन बनते, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजयगढ़ रियासत के वास्तविक संस्थापक जो थे ये कौन थे? क्लियर है? अजयगढ़ रियासत के वास्तविक संस्थापक थे गुमान सिंह, गुमान सिंह, बी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी ग्रंथ विवेक संधु का संबंध किस राजवंश से है? और ये मराठी ग्रंथ है विवेक संधु, इसका संबंध गोंड राजवंश से रहा है, गोंड, डी ऑप्शन के साथ में सही जवाब रहेगा। नरई नाला का संबंध किससे है? नरई नाला का, तो ये नरई नाला जो है ये है रानी दुर्गावती से संबंधित, रानी दुर्गावती, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मुंज तालाब का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? मुंज तालाब का निर्माण करवाया गया था परमार शासक थे उनके द्वारा, तो परमार शासकों के द्वारा मुंज तालाब का निर्माण करवाया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कवि परिमल जिनको पद्मागुप्त के नाम से जाना जाता है ये किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये जो कवि थे ये थे सिंधु राज के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा कवि परिमल जो थे ये सिंधु राज के दरबारी कवि बेसिकली हुआ करते थे, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सा शासक महिष्मति के कलचूरी वंश से संबंधित है? महिष्मति के कलचूरी वंश से संबंधित शासक का नाम बताइए जल्दी से, इनका जो नाम है, इनका नाम है कृष्णराज, कृष्णराज यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। रानी सालमाली का संबंध किस जिले से है? रानी सालमाली से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, क्लियर है? वो क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग है। क्लियर है? तो रानी सालमाली का जो संबंध है ये बेसिकली चंदेल कहाँ से रहा है, किस जिले से रहा है, देखिए ये बेसिकली यहाँ पर जिला ना होकर यहाँ पर वंश कर लीजिएगा, क्लियर है? वंश, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये वंश से ही रिलेटेड है, इसमें बाई मिस्टेक हो गया होगा तो इसको इरर को आप एज ए करेक्ट कर सकते हैं। रानी सालमाली का जो संबंध है किस वंश से है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंदेल से, चंदेल हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा शासन के सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर बात की जा रही है और इनके आक्रमण के सर्वाधिक साक्ष्य जो मिले हैं ये मिले हैं सलेया ग्राम से, सलेया ग्राम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आक्रमण को शेरशाह सूरी के लिए कलंक की भांति बताया गया है? शेरशाह सूरी के लिए कलंक की भांति बताया गया है इस आक्रमण को, तो ये जो आक्रमण है इसका नाम बताना है, तो यह है रायसेन आक्रमण, जो कि रायसेन के आक्रमण के नाम से जाना जाता है, तो रायसेन आक्रमण हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किस वर्ष किया गया? मध्य प्रदेश में बुढ़वा मंगल जो मेला है इसका आयोजन किस वर्ष किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया ये किया गया था बेसिकली 1836, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कवि भूषण लाल कवि हंसराज ये किस शासन से संबंधित है? महाराजा छत्रसाल, महाराजा सिंधिया, माधवराव सिंधिया, बाजीराव पेशवा प्रथम, धर्मपाल, इनका जो संबंध रहा ये किस शासक से संबंधित है? इनका नाम आपको बताना है शासक का, इनका नाम है महाराजा छत्रसाल, कवि भूषण
लाल कवि और हंसराज इन तीनों का जो संबंध है ये राजा छत्रसाल से रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। सोनेजू पवार किस रियासत से संबंधित है, सही जवाब रहेगा छतरपुर, रियासत से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, गोत्र कल्पद्रुम किस शासक की रचना है, गोत्र कल्पद्रुम जो रचना है ये राजा भाऊ सिंह की रचना है, राजा भाऊ सिंह हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस शासक ने शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं की सहायता की, ये किस शासक ने की थी, शेरशाह सूरी के खिलाफ या विरुद्ध भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, विरुद्ध हुमायूं की जो सहायता की थी ये किसने की थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा राजा वीरभान ने, राजा वीरभान ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध या खिलाफ हुमायूं की सहायता की थी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुंदेलखंड का कश्मीर किस रियासत को कहा गया है, बुंदेलखंड का जो कश्मीर कहा गया है ये चरखारी जो रियासत है, चरखारी रियासत इसको कहा गया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बघेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में बघेल जो संग्रहालय है ये रीवा जिले में स्थित है, रीवा में, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी सही हो जाएगा हमारा। सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी का जो गठन किया गया था ये 1854 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सबसे अंतिम में शहीद हुए हैं, इनका नाम बताना है, सही जवाब रहेगा ठाकुर रणमत सिंह, ठाकुर रणमत सिंह ऑप्शन नंबर डी के साथ में सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी सेनानी सबसे अंतिम में या सबसे, देखिए एक तो पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन शहीद हुए, मंगल पांडे बेसिकली आपको पता ही है, क्लियर है। और अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो कुंवर चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह जिनको मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ के राजकुमार हुआ करते थे, नरसिंहगढ़ के राजकुमार ये हुआ करते थे, क्लियर है। इनका तो आपको बताइए कि सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में शहीद हुए हैं, क्लियर है। इस तरह से ही क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सबसे बाद में या अंत में शहीद हुए हैं, तो इनका नाम है ठाकुर रणमत सिंह। गाइस इनके नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया गया है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ये किस जिले में स्थित है, ये आपका रीवा जिले में स्थित है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशवा बाजीराव प्रथम को किस राज्य में संपत्ति का हिस्सा प्राप्त हुआ या किस राज्य से संपत्ति का हिस्सा प्राप्त हुआ, तो पेशवा बाजीराव प्रथम को किस राज्य में संपत्ति का हिस्सा प्राप्त हुआ, सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का पन्ना राज्य, पन्ना राज्य हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा। गाइस यहां पर हमने 100 जो क्वेश्चन है ये कवर आपके एमसीक्यू करवा दिए हैं, क्लियर है। तो आपके 200 एमसीक्यू अभी कवर हो चुके हैं, हमने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें प्राचीन इतिहास को कवर किया, और इस वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास को कवर किया है, आधुनिक इतिहास और आपके राजवंश, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा तीसरा पार्ट, उसमें भी हम एक नए टॉपिक हिस्ट्री को ही उठाएंगे और कवर करवा देंगे, तो करीबन 300 क्वेश्चन आपके कवर हिस्ट्री के हो जाएंगे, क्लियर है। और ये 300 अगर क्वेश्चन आप कर लेंगे अच्छे से तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि पुराने पैटर्न के क्वेश्चन तो आपने आई थिंक करवा लिए, कर लिए हैं, हमने और भी वीडियो डाली वहां से, बट ये इतने नए पैटर्न के क्वेश्चन है ये आपको जरूर से याद करने हैं 110%, यहां से क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा बनने वाले हैं, क्लियर है। और उसका अंदाजा भी आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको लग गया होगा, क्लियर है। गाइस आपको बता दें हमारी 2022 की बुक अभी तक आपने डेमो चेकआउट नहीं किया, कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, 2021 की बुक अवेलेबल है, एमपीजी का स्पेशल कोर्स है, और कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे रखी है, चैनल पर पहले बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।